हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज चर्चा करते हैं क्लास 7-6 के बच्चों के लिए और कंपटीशन के लिए भी और 7 फेज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए परसेंटेज। जैसे कि आपको दिख रहा है प्रतिशत, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लिए तो आपका प्रॉफिट लॉस माने एरिथमेटिक मैथ्स का बहुत सारे पार्ट आप डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इंक्रीज डिक्रीज हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, मतलब कंपैरिजन करके आप बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं व्हाट इज परसेंटेज। अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज 100 इज अ फ्रैक्शन अ परसेंटेज सॉरी अ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज 100 इज अ परसेंटेज देयर सिंबल इज परसेंट मीन्स 7/100 example 7/100 we can write into 7% 9/100 we can write into 9% percent is derived from the latin word percentum which means per hundred percent कहाँ से derive हुआ है तो latin word से percentum से और percentum का ही अर्थ होता है परसेंटम का ही अर्थ होता है पर हंड्रेड। देखिए अब आप क्या कीजिएगा, किसी भी नंबर्स को अगर फ्रैक्शन में दिया रहे तो आप परसेंटेज में बदल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में दिया रहे तो आप डेसिमल में बदल सकते हैं और डेसिमल में परसेंटेज में दिया रहे तो रेशियो में भी बदल सकते हैं। अगर एक सीखे तो सब सीख जाइएगा, समझे। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे है 2/5, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2/5, परसेंट में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 और ये 40, ये सिंबल हो गया परसेंटेज। अब इसी को फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में दिया था डेसिमल में तो आप क्या लिखिएगा 40/100 यानी 2/5, 40/100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को 10 से डिवाइड कीजिएगा 0.4, यहीं पे देखिए ना 10 से 10 गया, रेशियो में तो यहीं लिख दीजिएगा 2:5। ये बेसिक जानकारी मैं इसलिए देना चाहता था कि परसेंटेज अगर आप सीख जाओगे ना तो प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बिना आप फॉर्मूले का बना सकते हो। यस, कंपटीशन में भी आपका काम आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि 9/20 को परसेंटेज में बदलिए तो आप कहिएगा ओके 100% से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप 10 से 10, 2 से 5, 5×9=45 और ये सिंबल लगा दीजिएगा परसेंटेज। इसी को परसेंट में दिया है, फ्रैक्शन में पूछे तो 45 परसेंट के वजह से पर 100, 5 से कटा 9, 5 से कटा 20, इतना आया ना। रिवर्स करके भी चेक किए, आपने रिवर्स करके भी चेक कर लिया। देखिए दोस्तों, अब कैसे हम लोगों को परसेंटेज का ट्रिक पता करना है, कैसे परसेंटेज का ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। जैसे देखिए 20% of 40, 2 को 0 जब भी आपको दिख जाए और परसेंटेज वैल्यू पूछे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, 20% of 40, तो 20 × का मतलब मल्टीप्लाई 40 और बाई परसेंट का मतलब पर 100, 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, 2×4 कितना हुआ 8, आया ना सेम। आप ऐसे भी इसे लिख सकते थे 40×20, बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, और भाई 100, 00 से 00, 4×2=8। तो आपको कमेंट में जवाब देना होगा 60% ऑफ 70,